गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो जो भी नए आएंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और बहुत सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो मेरा नाम है अनुराधा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में बताती थी लेकिन कुछ बीच में छोड़ दिया था मैंने। तो गाइस, मैं हूँ हिमाचल से, मतलब मेरा मायका हिमाचल प्रदेश में है और मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की हूँ। तो दोस्तों, पहाड़ों का भी प्यार दीजिएगा और बाहर के भी प्यार दें मुझे। तो यही उम्मीद है आप सभी से, जैसे मेरी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली की तरह हो। तो हो नहीं, मतलब है, अभी बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं मेरी फैमिली में। तो उसके लिए सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, बहुत सारी बड़ी फैमिली हो जाए मेरी। और अपने सुख दुख, मतलब जैसे मैं खुश होती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे दुख होती हूँ, सैड होती हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, मेरा ससुराल है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कहाँ है? शिरडी में है गाइस, पुणे के नज़दीक पड़ता है शिरडी। अगर आप साईं बाबा के वहाँ पे गए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा शिरडी कहाँ पे है। तो अगर नहीं गए हैं, वो पुणे मुंबई में पहचान है, तो वही है, नज़दीक है मेरा। तो गाइस, वो तो हो गया, मतलब शादी इतनी दूर कैसे होगी, वही दिमाग में चल रहा होगा, है ना। तो गाइस, मेरी शादी ना लव मैरिज हुई है और पति जो है फौजी है, पति और एक बेटी है मेरी अंशु, और बाकी तो सबसे मिलाई बैठी हूँ मैं। तो गाइस, अभी सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पेट्टू में ना बहुत ज़्यादा गुड़ गुड़ चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है वो जोर की। तो गाइस, मैं ना मतलब सिर्फ मैंने ब्रश किया हुआ है, नहाऊंगे धोऊंगे तो बाद में यार, कितना आलस आता है ना मायके में, सच में यार क्या होता है ना मायका, भगवान ने क्या बनाया हुआ है ना। बचपन की यादें जुड़ी होती है कि हम क्या क्या करते थे। और गई ससुराल में थी यार, काम करो फटक 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 से, लेकिन मायके में क्या गाइस, धीरे 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 चलता रहता है। और अभी तो पता नहीं गाइस ना, मैंने बहुत दिन मतलब नहीं बनाती हूँ गाइस, मैं मायके में ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आलस भी आता है। और मुझे एक कमेंट कर रहा था गाइस कि आप अपने ससुराल नहीं जाती, मायके में ही रहती हो। यार, दो दो साल के बाद आती हूँ, ऐसा मत बोला करो यार, थोड़ा सा इधर लग जाता है। मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बोलती, ना ससुराल ना मायके वाले, तो आप क्यों बोल रहे भाई हैं, ऐसा मत बोला करो, सैड सैड सॉन्ग मतलब कमेंट मत किया करो यार प्लीज़। तो गाइस, मैं क्या क्या कर रही हूँ, देखो मैंने क्या क्या कर लिया आज, मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत काम कर लिया है। आती है सब्जी के बारे ना, तो मैं सब्जी भी बताती हूँ आपको, मैंने सब्जी क्या बनाई। मैंने सब्जी नहीं बनाई है गाइस, मैंने ना बहुत अच्छा सा कुरकुरा सा नाश्ता बनाया हुआ है। तो गाइस, नाश्ते में बना हुआ है आज चना फ्राई, ये देखो गाइस, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना गाइस इसमें। तो मैंने इसमें ना टमाटर भी डाल दिया है, ये देखो, मैंने बोला कि आज मैं ही खिलाऊंगी सबको अपने हाथों से नाश्ता। तो नाश्ते में बना हुआ है ये चने। और गाइस, अभी तक रोटी नहीं है, ये शाम की रोटी गाइस हमारी। तो शाम की रोटी किस लिए फेंकना, बहुत काम आती है। और गाइस, आटा भी गूंद के रख दिया है, मतलब शाम को रख दिया था तो फ्रिज में है, तो बहुत ज़्यादा सेट हो गया ना गाइस ये, तो इसलिए जो है वो टाइम लग रहा है उसको। और फिर गाइस देखो, मेरी ड्यूटी लगाई आज किचन में, देखो देखो गाइस कैसे हंस रहे हैं, देखो 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 देखो, और धीरे 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 धीरे। और गाइस, अभी रोटी बनाऊंगी क्योंकि अभी वो बहुत अकड़ू सा हो गया है आटा। और गाइस ये देखो, चाय सबको दे बैठे हैं हम सभी, और मैं ही रही हूँ पीने वाली, है ना। तो गाइस, मैंने ना गैस बंद कर दी, पर गर्मी है, ये देखो गर्म है मेरी चाय, तो मैंने इधर छन्नी भी ले ली, गिलास ले लिया। और गाइज, आप सोच रहे होंगे कि यार दीदी क्यों गिलास में पीती, चाय है कपनी है। गाइज, वो भी दिखा देती हूँ मैं, कपनी है कपनी है कपनी है, देखो गाइज, एक की डंडी तो फोड़ दी, किसने फोड़ी है? मैंने। यस, देखो भाबा बोल रहे मैंने फोड़ी है दीदू, एक कप है गाइज, और मतलब बहुत सारे कप है, वो बाहर नहीं रखते हैं। अंशु इधर पहुंचती नहीं है, लेकिन गाइज उसको क्या करते हैं, उसकी मामी के इधर खड़ा करते हैं, फिर नल के ऐसे ऐसे करके हाथ धोती है, तो उसके हाथ पहुंच जाते हैं, इसलिए उसने फोड़े हुए, मामी ऐसी नाम बचा रही है उसका कि उसको मार पड़ेगी। और गाइज देखो, इधर ना अंशु के लिए दूध रखा हुआ है, तो ये शाम का दूध है। तो गाइज, अभी ना हम अपनी चाय छान लेते हैं, तो चाय छलने के लिए अब जुगाड़ करना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे, वाह ये गर्म है, गर्म है,
गाइस पकड़ भी है कहीं, तो पता नहीं कहाँ है, तो मैंने ये ले लिया, इससे ही काम चलाते हैं अभी हम। इसमें मलाई भी आ गई, चाय ठंडी हो गई मेरी। अरे 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 गाइस, मुझे पता नहीं क्यों आदत लगी हुई है गाइस, मम्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मम्मी ज़्यादा चाय नहीं पीने देते हैं, लेकिन ना पता नहीं मैं बोलते तू ससुराल जाके ना चाय सीख गई है पीना, मैंने कहा हाँ, क्योंकि इधर मेरे सासू बहुत चाय पीते हैं गाइस महाराष्ट्र। मेरे ससुराल जब आए थे ना गाइस, मतलब पूरी फैमिली आई थी ना शादी में, तो सब मेरे ससुराल वालों को ही देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, एक तो इतनी कड़क चाय पीते हैं, मतलब इधर कोई भी नहीं पीता, हिमाचल में इतनी ठंड होती है गाइस, और हमें बहुत अच्छी गंदी आदत भी है, क्या करना भी, आदत तो आदत होती है ना गाइस, क्या करना भी है ना। देखो गाइस तवा अभी मैंने रख दिया है, मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई रोटी बनाने की, तो ये रोटी बनाएंगे हम, गैस वैस तो बाद में ही करेंगे अच्छे से साफ। तो ये देखो आटा, इधर टोकरी भी रख दिया है मैंने, चपाती बॉक्स है, और सूखा आटा भी रख दिया है, और तवा भी रेडी है, तो मैं जाऊंगी अभी चाय पीने के लिए। नाश्ता बिस्किट है गाइस, केला भी है, लेकिन नहीं खाना मुझे, मुझे पीनी है चाय, गर्मा गर्म चाय। तो गाइस मुझे ना किचन में चाय नहीं पीनी है, तो मैं जा रही हूँ बाहर गिलास लेके। तो गाइस पहाड़ों में चाय इसलिए पीते हैं, मैं एक ब्लॉग में बता बैठी हूँ पहले भी, कि पहाड़ों में जो क्या होता है कि ठंड होती है, सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो गाइस मेरे नाना नानी भी उठ गए हैं उठ गए हैं सुबह सुबह ही, तो गाइस वो सब पी बैठे हैं चाय, तो हम रहे हैं चाय पीने के लिए, तो हम पियेंगे अभी चाय, मैं देखो गर्मा गर्म चाय। तो गाइस मैं ना चाय पीने के बाद ही मिलती हूँ अब, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं गाइस। क्या होता है ना, नींद नहीं आ रही थी आपको, इतनी जल्दी उड़ रही है नींद, कभी कभी आती है, कभी कभी नींद भी आती है। अच्छा, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, और ना क्या होता है ना, आदत बनी होती है ना, आदत नहीं होती है गाइस, आदत होती है ना, मतलब मेरे उधर भी पता क्या, सासू पापा पता क्या करते हैं, जैसे 4 बजने ना गाइस, तो मतलब बस उठेगी नहीं, उठेगी नहीं, मतलब आदत होती है अपने अपने ना, और इधर इधर तो बड़ी ही मुश्किल से ऐसे करके उठते हैं तो ठीक है गाइस, मौसम दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि दिखाई ले तू चाय बाद में पीती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है अभी, अभी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी है, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी कितने सुंदर सुंदर है ना गाइस, अभी बहुत सुंदर सी हरियाली भी आ गई है देखो खेतों में, क्योंकि अभी जो है ना बरसात आने वाली है, और चिड़िया इतनी सारी है ना गाइस, मतलब इधर ना मज़ा आ जाता है सुनने का, सुबह सुबह उठते हैं ना, तो मैं तो सबसे पहले पता किसका मुंह देखते हैं, ऐसे बोलते हैं जो आपका पूरा दिन अच्छा जाए उसी का मुंह देखना चाहिए, लेकिन मैं किसी का भी मुंह नहीं देखती हूँ, मतलब अंशु मेरे साथ सोती है तब देखती हूँ, नहीं तो पहले ना सबसे पहले हरी हरी झाड़ियाँ देखती हूँ गाइस। ये देखो हमारे सूर्य जी उदय हो रहे हैं, एक व्लॉग देखा होगा आपने, हम खेत में पहुंचे थे सुबह सुबह ही, तब उधर हो रहे थे गाइस, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना, मतलब ऐसा फिल्मी दुनिया की तरह लग रहा है ना, मतलब सूर्य उदय हो रहे हैं और पेड़ों के बीच में है, और बहुत खूबसूरत सा है सुबह सुबह का मौसम है ना, मैं तो फील कर लेती हूँ गाइस इधर, क्योंकि कई शूटिंग जो है ना कुल्लू मनाली में होती है, हमारे धर्मशाला शिमला में बहुत सारी शूटिंग होती है फिल्मों की, और हो भी चुकी है पुरानी पुरानी जो फिल्में हैं, तो कितना सुंदर लगता है। देखो आज मौसम ठीक लग रहा है, अभी तक आंगन वीगन में हमारे इधर धूप नहीं आई है, तो सुबह सुबह इतना सुंदर लगता है वॉक भी करने के लिए, और देखो घर से ऐसा दिखता है, वो तो आप जान ही चुके होंगे मेरे चाची के घर है, लेकिन गाइस माम भी जल रहा है, देखो कितनी आग छोड़ रहा है, देखो नज़दीक से दिखाती हूँ मैं, देखो लपटे, तो इसमें हो रहा है हमारे लिए पानी गर्म, तो सुबह सुबह ही गमलों में पानी भी दे दिया है हमने, देखो पानी 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 पानी, अंशु तो सोई हुई है खरट्टे मार के ना, और गाइस गौशाला का दरवाज़ा अभी तक बंद है, क्योंकि इनको जो है गोबर वेयर खोल दिया है इनका, और इनको जो है थोड़ा थोड़ा जो दाड़ा रहता है ना गाइस, हम फीड वगैरह बोलते हैं ना, मतलब उनकी
खुराक बोल सकते हैं हम। तो क्या जी देखो, केले के पत्ते दिख रहे होंगे, और ऐसे घर से उस साइड में भी देखो गाइस, उधर भी इतनी लंबी चोटी साइड, ये है पहाड़ी है, उधर धूप पड़ गई है पेड़ों में। तो ठीक है गाइस, फिर ना हम ना चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमारी चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। फिर मिलते हैं हम आपको किचन में। तो गाइस, हम चाय पीने के बाद चल पड़े अपने किचन में, जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी है। और हम लेके आ गए हैं स्टैंड फ़ोन का, क्योंकि अभी हम रोटी बनाएंगे तो फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं हम अपने स्टैंड को फ़ोन के। तो गाइस, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंड है गाइस, मुझे ना पता ही नहीं था। बाकी तो मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने मतलब इसको क्या है कि यूट्यूब में भी सर्च किया कि मतलब इसको जोड़ते कैसे हैं। मैंने ऊपर से जोड़ तो दिया, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ये वाला, तो ये ढीला रहता था मेरे से। तो उधर जो है अमेजोन से मंगवाया हुआ, लेकिन मैंने ये मीशो से मंगवाया हुआ गाइस। अमेजोन में रिमोट भी है शायद इसके साथ है, तो मुझे रिमोट वगैरह कुछ मिला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, इसके टांगे बहुत अच्छी हैं। मतलब उसको सेल्फ स्टिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे हाइट में नहीं जाता है गाइस, ये सिर्फ ऐसे अटैच होता है। लेकिन इसके जो टांगे हैं ना गाइस, ये बहुत पक्की है, मतलब फ़ोन का जो भार है ना वो अच्छे तरीके से थाम लेती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, फिर आपके साथ बातें करते हैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी। तो गाइस, मैंने जो है लगा दिया है, तो अभी हमारा आटा जो है ना गाइस, वो अच्छे से ये हो गया है, लूज हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क हो गया था ना फ्रिज में। ये देखो, अभी बनाएंगे हम रोटी। और गाइस ये देखो, मैंने ना अंशु के लिए बादाम भी डाले हुए भीगने के लिए। अरे हरे हरे भगवान, नीचे गिर गए। तो गाइस, मैंने एक लाइट बंद कर दी, क्योंकि वो अच्छे से नहीं दिख रही थी। तो मैं अभी ना बना लेती फटक फटक से रोटी, तो गैस कर लेते हैं ऑन। तो गाइस, आज आपके साथ ना सुबह सुबह ही गप्पे मारने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो गाइस, पहले ले लेते हैं हम उसको आटा, क्योंकि गाइस मैं अगर नीचे लगाऊंगी ना फोन, मतलब ऐसे नीचे कर दूंगी ना, तो फिर मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, फिर आपके साथ कैसे बातें करनी। तो इसलिए मैंने जो है ऊपर ऊपर ही रखा हुआ है फोन जो है, लेकिन तवा दिख रहा होगा आपको, तवे में तो दिख ही जाएगी रोटी। तो कैसे देखो, हिमाचल के बेलने मतलब कैसे होते हैं, हमारे महाराष्ट्र में ना बहुत सारे लम्बू लम्बू से होते हैं, और बहुत बड़े बड़े चकले और बेलना होता है, लेकिन इधर ना गाइस ऐसा नहीं होता है। तो आज मेरी ड्यूटी गाइस सुबह सुबह इन्होंने ना किचन में लगा दी है। किस किस की ड्यूटी लगती है गाइस मायके में आने के बाद किचन में, क्योंकि किचन से तो हम तंग हो जाते हैं, है ना, सच्ची बता रही ना, हो जाते हैं गाइस। कि मैं मतलब जब स्टार्टिंग में आई ना गाइस, तो मैंने ऐसा बोला ना कि मुझे किचन देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना है अभी, खाना तो खाना पड़ेगा, अगर बनाओगे नहीं तो कहाँ से खाओगे ना। तो गाइस क्या होता है कि मतलब झी लग जाती है ना, मेरे साथ होता है ऐसा गाइस, आपके साथ पता है किस किस का क्या होता है, किसी किसी को बहुत बड़ा मन करता है। और गाइस, मुझे ना फुलके भूल गई थी मैं बनाना, मतलब फुलके मुझे आते ही नहीं थे अच्छे तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ना बहुत बड़ी बड़ी रोटी बन जाती है, क्योंकि हम ना महाराष्ट्र में ना बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं गाइस, सच्ची में हमारे तवे बहुत बड़े होते हैं। तो महाराष्ट्र खाना जिसने खाया होगा ना, तो उसको अच्छे तरीके से पता होगा, और मैं कुछ ब्लॉग में बताती भी हूँ मेरी रोटी जो है उधर की। तो गाइस, उधर बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं, इधर जो है ना उस रोटी को परांठे बोलते हैं। तो गाइस, अभी तक अंशु नहीं उठी हुई है, फिर अंशु का काम चलेगा आज, तो उसकी नानी खेत में नहीं जाने वाले, पता नहीं वैसे नहीं जाने वाले हैं, तो कल तो चले गए, परसों चले गए थे, तो मेरे सर के ऊपर आ गया था गाइस। ये अभी हे भगवान, मुझे आफत आ जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई, बहुत ज़्यादा। और मैं उसको मारती हूँ, फटके लगाती हूँ ना, तो गाइस वो सबके साथ चुगली मारती कि मम्मा ने मुझे मारा, नानी मम्मा ने मारा, नानी मम्मा ने मारा। वो तो उसके पापा के साथ भी बात करती है कि मम्मा ने मारा, मम्मा ने मारा, बस यही शब्द आते हैं उसको। कल बता मैं क्या बोल रही थी, वो उसके पापा तो अभी तक छुट्टी भी नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा बोल रही थी कि पापा ने मारा, पापा ने मारा। उसकी नानी को वो बोलते,
मेरे पापा कहाँ है इधर। तो गाइस देखो हम ऐसे करते हैं, पहाड़ी फूल कैसे बनाते हैं हम। अभी हमने नाश्ता कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय पी हुए गाइस ना, और मुझे ना भूख बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे अपनी ना अपना वेट कम करना है। मैं बहुत मोटू सी हो गई हूँ, कुछ कुछ जो है ना गाइस, मुझे ना मैं इंस्टाग्राम में भी रील बनाती हूँ ना गाइस, तो कुछ कुछ एक बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और कुछ कुछ ना ऐसे बोलते हैं यार मोटू दीदू ऐसे बोलते हैं गाइस। मैं इतनी मोटी लगती हूँ कि गाइस अभी तो मैंने ना इतना पेटू पतला भी कर दिया गाइस। देखो पहले तो बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस, मुझे ना ये प्रॉब्लम पता कैसे आई है, एक तो मैंने बहुत ज़्यादा टैबलेट खाई है शुगर टाइम में ना, फिर मैंने जो है क्या किया कि मुझे बेड रेस्ट थी और मैंने काम कुछ करना नहीं, बस खाते रहो पीते रहो खाते रहो पीते रहो, तब जाके मेरा वेट बढ़ा, लेकिन कम करना तो चाहिए गाइस। अभी अभी रील बनेगी, रील बनाऊंगी मैं अपने खुद से। पहले ना बहुत ज़्यादा आलस आता था मुझे ऐसे काम करने में, लेकिन अभी ना ये अच्छा भी लगता है और मैं सोचती हूँ मेरा वेट दिन प्रतिदिन कम हो जाए। तो गाइस ऐसे ऐसे करते हैं हम फुलकों को गर्म गैस में ऐसे निकाल के, चूल्हे में भी बनाते हैं गाइस, तो बहुत अच्छे चूल्हे में तो बड़े अच्छे बनते हैं। और गाइस हमारे महाराष्ट्र की रोटी कैसे बनती है, ऐसे नहीं बनती, सिर्फ तवे में ही फेंटते हैं उसको तेल भी लगा के। तो गाइस यार ऐसा भी मत किया करो यार, सपोर्ट किया करो यार प्लीज। कोई मेरे भाई होंगे, कोई मेरे बहन होंगे, कोई मेरे माता पिता के समान होंगे, तो प्लीज अपना अपना सपोर्ट दिया करो मुझे। 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो मेरे ब्लॉग के लिए, तो जैसे ही मेरा ब्लॉग पड़ता है तो घंटी को मतलब प्रेस किया करो आप ना, जैसे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल ना, तो वैसे प्रेस किया करो, तो जैसे मैं अपलोड करूँगी वीडियो तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो यार प्लीज़ प्लीज़ अपने पूरे दिन में से आप 5 मिनट तो निकाल सकते हो, ज़्यादा नहीं देखना मेरे। वैसे अभी मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, मतलब कभी कभी 20 की हो जाती है, 25 मिनट की हो जाती है, तो बड़ी हो जाती है, तो प्लीज़ यार 5 मिनट दिया करो, ज़्यादा नहीं देखना, पूरा वीडियो नहीं देखना, ऐसा दिल होगा तो पूरा वीडियो देखा करो, नहीं होता होगा बोर होते होंगे मेरे ब्लॉग से। तो अभी गाइस शुरुआत है, अभी हम सीख रहे हैं ब्लॉगिंग करना, तो कैसे बनाते हैं ब्लॉग गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ऐसे याद आ गया मुझे मनोज देख कर, मैं पूरे पूरे ब्लॉग देखती हूँ, मतलब ब्लॉग नहीं वीडियो, और दूसरे ब्लॉग करते हैं यूट्यूब के बारे में समझाते हैं, तो गाइस उनकी वीडियो मुझे याद आ जाते हैं कि यार सच में कितना मेहनत लगती है ना कुछ पाने के लिए, मतलब सबसे खोना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है गाइस, सच्ची बोलती हूँ। मैंने कैसे खोया पता है, मतलब सब मुझे बोलते हैं फ़ोन लिया है हाथ में, फ़ोन काम नहीं करना, और फ़ोन 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 बस फ़ोन देखो फ़ोन गाइस, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा कि मैं जैसे सड़क सड़क से गुजरती हूँ, मतलब कहीं ब्लॉग व्लॉग बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई टाइम परवाह भी नहीं करती यार, कुछ भी बोलते रहे मेरे बारे में, पर गाइस सच्ची में बहुत मेहनत लगती है यार। कितना टाइम हो गया है मुझे अभी तक, और मतलब 1.5 साल कंप्लीट हो गई है, तो 2 साल कंप्लीट हो जाएगा दिवाली के टाइम होगा मेरा, हाँ उसी टाइम होगा। तो गाइस कितना स्टार्टिंग में तो मुझे सच्ची में बोलने के लिए भी नहीं आता था यार, कैसे बोलते होंगे ये, बड़ा मुश्किल था। फिर भी अंशु के पापा बोल रहे थे ना, फौजी साहब बोले तेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों कर रही तू ऐसा वैसा बोलता है, छोड़ दे तू। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे एक ना एक दिन जो है वो हासिल करनी है अपनी मंजिल। तो गाइस अभी उनको भी दिख रहा है कि नहीं कुछ कर रही है, कुछ बोलने के लिए आता है, मतलब पहले ना मुझे बिल्कुल भी बोलने के लिए नहीं आता था, अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखोगे ना गाइस तो मुझे ना फ़ोन पकड़ने तक नहीं आता था यार, मतलब ऐसे सुना था सेल्फी ऐसे लेते वैसे लेते हैं, लेकिन नहीं आता था कि ऐसे रखना है ऐसे रखना है, स्टैंड भी होता है, फ़ोन के स्टैंड भी मिलते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, कुछ पता नहीं था गाइस कुछ भी नहीं। और मतलब उसमें जो है वो क्या बोल सकते हैं, हम इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं अपनी स्टार्टिंग की, वो सब कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं ऐसे एक तारा दीदी का ब्लॉग देखती थी, और एक और दीदी थी उनका चेन्नई वाले, उनका ब्लॉग देखती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था गाइस इतना अच्छा, जैसे वो खाना बना रहे होते तो बताते थे। और अंशु से 2 महीना बड़ी थी उनकी बेटी, बिट्टा सॉरी बेटी तो बड़ी है,
तो उनकी ब्लॉग देखती थी मैं, यार कितना अच्छा बनाते हैं ना, मुझे भी करना है ऐसा, मुझे भी करना है। बस ऐसे लगा रखा अंशु के पापा को, और उन्होंने बोला ठीक है तेरा यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। मैंने कहा अभी मैं क्या करूँगी इसमें, मुझे ना गाय अपलोड करने तक नहीं आती थी वीडियो, क्योंकि इसमें ना अपलोड मतलब यूट्यूब में अपलोड करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए होता है, टैग चाहिए होते हैं, मतलब दिमाग हिला हिला के लगाना पड़ता है गाइस। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता था कि इसके ऊपर क्या बनाऊं, क्या लिखूं मैं इसके ऊपर, टैग टाइटल फिर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं बस। तो फिर धीरे 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 मैंने वो भी सीखा, और नित्य के सपोर्ट हैं उनके उनके से भी सीखा मैंने कुछ, और कुछ एक जो है वो मनोज दे सर से भी सीखा मैंने, क्योंकि मनोज दे सर है ना यार, कोई भी मतलब एक तो बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ वो मैंने उनका देखा पुरानी वीडियो, मतलब कैसा था उनका ना पीछे वाला, कुछ भी स्टूडियो वगैरह कुछ नहीं था, वो सीढ़ियों में बैठ के ब्लॉग बनाते थे, वीडियो बनाते थे। तो गाइज और बोलते मेरे तीन मतलब दो चैनल थे, एक तो कॉमेडी वगैरह का था, एक सिंगिंग का था, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो गाइज मतलब कितना ही होता है ना कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलता है यार, मेहनत करो, मेहनत का ही फल मिलता है बाद में। तो गाइज बस मैं भगवान से ही प्रे करती हूँ कि एक ना एक दिन मुझे भी गाइज मेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेहनत का फल देना प्लीज। मतलब ऐसा ये नहीं कि आप इतनी जल्दी दे दो, कभी भी देना पर देना बस मुझे, मैं ताकि सबको दिखा सकूं कि नहीं मुझ में भी कुछ है। सही है ना गाइज, ऐसा से होता है गाइज ना, क्या क्या बातें कर दी मैंने, बहुत सारी बातें कर दी आज तो आप सभी के साथ, और मेरी रोटी भी बनती आई है क्योंकि मुझे ज़्यादा रोटी बनानी नहीं है, नाश्ते के लिए बनानी है। तो गिर गया, मम्मी को इतनी सी भी आवाज़ आती है ना, मम्मी बहुत डांटते हैं कि हाय तोड़ फोड़ लगी रहती है बर्तन की, इतनी जोर जोर से नहीं फोड़नी है, तो गाइस कभी कभी गिर जाते हैं। तो गाइस है ना अभी रोटी बन जाएगी, फिर हम ना नहाने के लिए जाएंगे, फिर अंशु उठेगी, फिर अंशु को आज मम्मी नहाएगी, बहन ही नहाने वाली है सच्ची में। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं बाद में ना, अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो आप बोलोगे दीदी ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन अच्छी लगते कि नहीं मुझे कमेंट करके बता देना यार, गलत कमेंट मत करना, चाहे कुछ भी कर देना दूसरों को, गलत मत करना कुछ भी, मतलब ये नहीं कि आप मुझे गालियाँ दे दो, गालियाँ मत देना मुझे। एक दीदी बोलते हैं कि दीदी आप ना ब्लॉग में ना हंसते रहते हो बड़े अच्छे लगते हो, हंसना भी ज़रूरी होता है। तो पता नहीं मुझे क्यों, मतलब मैं हंसमुखी हूँ शायद, ऐसा है मुझे हंसी आ जाती है, कुछ भी बोलना फिर हंसना, कुछ भी बोलना फिर हंसना। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय, मेरी रोटी भी बन चुकी है अभी, और ये देखो मेरी रोटी इतनी सारी बन चुकी है, तो दो दो रोटी खाएंगे तो भी हो जाएगा। तो गाइस ये रहा मेरा आज का सुबह सुबह का ब्लॉग, मेरी किचन में ड्यूटी लगा दी थी तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं जो हूँ ब्लॉग बंद कर रही हूँ अभी। तो मिलते हैं न्यू दिन न्यू शुरुआत के साथ सुबह सुबह, तो प्यार दीजिएगा अपना दोस्तों बहुत सारा बहुत सारा, और इंडिया ब्लॉगर का अंदरादा को आगे बढ़ाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हम अगला ब्लॉग न्यू लाएंगे आप सभी के लिए, तो बाय।